डीयू बीएड स्पेशल एडुकेशन। स्पेशल एडुकेशन का बीएड क्या होता है, किस तरह के बच्चों को इसमें पढ़ाना होता है, टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, इस फील्ड में कितना स्कोप है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन का डिग्री आपको परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा, जरूर से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने को सोच रहे हो तो इस वीडियो में कमेंट में करके गंदा करना कि सर स्पेशल एजुकेशन क्या होता है तो पहली बार सुना था, सर कितना स्कोप है, ये सब समझने के लिए जाइए बीएड 2024 स्पेशल एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट देखिए। ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि भैया स्पेशल एजुकेशन का बीएड होता क्या है, क्या करियर स्कोप है, किस तरह के बच्चों को पढ़ाना होता है, किस तरह की टीचर की उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है, और क्या ये डिग्री नॉर्मल जो बीएड होता है उसके बराबर है कि नहीं है। जब ये बातें समझ में आपको आ जाएं तो आप समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है। और ये जो डिसेबिलिटी होती है, जो समाज में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कह लीजिए कि किसी प्रकार से फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांग है, कोई दृष्टि बाधित है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, किसी को भी इस तरह का समस्या है, तो उसको पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसकी भी समझ अलग तरीके से होनी चाहिए कि दृष्टि बाधित बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कोई मेंटली रिटार्डेड है तो उसको कैसे पढ़ाना है, किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम है तो उसको कैसे पढ़ाना है, किसी को डिसलेक्सिया है तो कैसे पढ़ाना है, तो इस तरह का मतलब अलग अलग तरह का चैलेंज हो सकता है और उसको पढ़ाने वाले टीचर्स भी अलग होते हैं। इसी बीएड स्पेशल एजुकेशन में ही ना कई स्ट्रीम्स जब आप एडमिशन लेते हो तो बटे रहते हैं कि इस वाले फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए अलग बीएड है, इस वाले फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए अलग बीएड है। तो बेसिकली है क्या ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है दो फील्ड में होता है, एक मेंटली रिटार्डेड छात्रों के लिए होता है और एक विजुअल इंपेयरमेंट के लिए होता है। तो उसी को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे देखेंगे, बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, सीयूटी डीयूबी 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, तो जो नॉर्मल बीएड होता है उसके रिगार्डिंग डिटेल में आप समझ सकते हो। इनफैक्ट दिल्ली बाइट चैनल पर क्लिक करोगे ना, दिल्ली बाइट का प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, जिस भी चीज को लेकर आपको क्वेरी हो जाके दिल्ली बाइट का एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। तो ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न, लर्निंग नोज नो बाउंड्स, सभी विद्यार्थी एकदम बराबर हैं, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन बातों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है। तो है क्या कि आने वाले समय में इस फील्ड में अच्छा खासा स्कोप है, और उसको समझने के लिए जो शुरुआत में मैंने प्लेलिस्ट बोला स्पेशल एजुकेशन वाला वो आप देखिए। आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली दो तरह का जो फिजिकल चैलेंज है उस पर स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवाया जाता है, एक है मेंटल रिटार्डेशन और एक है विजुअल इंपेयरमेंट। अगर यूट्यूब पर इधर उधर कहीं ढूंढ रहे होगे आलतू फालतू, किसी ने पहले कुछ वीडियो बना रखा होगा, तो लोग अभी भी मेंटल रिटार्डेशन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेंटल रिटार्डेशन वाला बीएड है उसका वर्ड चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है। तो अब आप कहीं भी सर्च करोगे ना तो बीएड स्पेशल एजुकेशन इन आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और डीयू में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन वाला जो बीएड है केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, और केवल लेडी इरविन कॉलेज में ही होता है, कहीं और से ये बीएड नहीं होता, केवल केवल इकलौता एक कॉलेज है। विजुअल इंपेयरमेंट कोएड है, कोएड का मतलब ये है कि मेल फीमेल गर्ल बॉय दोनों एडमिशन ले सकते हैं, और ये केवल और केवल दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, केवल और केवल वहीं से होता है। तो दोनों का फॉर्म फिल करते समय ना आपको अलग अलग चॉइस भी फिल करना पड़ेगा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन वाला फिल कर रहे हो कि विजुअल इंपेयरमेंट वाला फिल कर रहे हो। जैसे कि कोई लड़की है तो वो दोनों चूज कर सकती है कि हम मेंटल रिटार्डेशन वाला भी फिल कर रहे हैं, विजुअल इंपेयरमेंट वाला भी फिल कर रहे हैं, जिसमें मेरा एडमिशन हो जाए, जिसमें मेरी ट्रेनिंग हो जाए। अब कोई लड़का रहेगा तो वो केवल विजुअल इंपेयरमेंट वाला ही फिल कर सकता है। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला केवल गर्ल्स के लिए, विजुअल इंपेयरमेंट वाला कोएड के है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए इसका भी एग्जाम अब सीयूईटी के थ्रू ही हो रहा है, इसका एडमिशन भी सीयूईटी के थ्रू ही हो रहा है, और जो सीयूईटी का पेपर कोड इसमें फॉलो होता है COQP 03। अगर आपको बीएड डीयू के बीएड में स्पेशल एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना है तो जो सीयूईटी का पेपर कोड का आप पेपर दोगे वो COQP 03 है। सबसे पहला जरूरी क्या है इसके प्रिपरेशन के लिए कि आपके पास COQP 03 का प्रीवियस ईयर पेपर हो, सो दैट आप डाउनलोड करके देख लो कि इसमें क्या आया है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स ऐप इंस्टॉल करो और फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वहां से COQP 03 वाला प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको देखकर आप समझ सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बाकी एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, चाहे स्पेशल एजुकेशन का फील्ड हो, नॉर्मल बीएड हो, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब हो, प्राइवेट टीचिंग हो, इंस्टीट्यूट में टीचिंग हो, टीचिंग अब्रॉड, इन सब को लेकर दिल्ली बैठ के बहुत सारे वेबिनार सेमिनार होते हैं। और टीचिंग के फील्ड में आपको कोई भी दिक्कत है उन सब को अपने क्वेरीज को आप डायरेक्टली 1-to-1 वे में सॉर्ट आउट कर सकते हो दिल्ली बैठ के वेबिनार और सेमिनार में ज्वाइन करके। उन सबको ज्वाइन करने के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। एंड उस टेलीग्राम ग्रुप को जब आप ज्वाइन करोगे इसमें बहुत तरह के क्विज देखने के लिए भी मिलेंगे। तो ये आज ही नहीं, सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं, फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल है टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप।
तो डू ज्वाइन इट, और इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी सिंपली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो, जो भी डाउट और क्वेरी है, जो भी न्यूज और अपडेट आपको इंस्टेंट बेसिस पर चाहिए वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन वाले मसले पर, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग हम कह रहे हैं कि आपको समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। बेसिकली एक ऐसा हो सकता है कोई बच्चा किसी बात को धीरे समझता हो या उसको धीरे पकड़ हो, तो तुम इसको ये ना समझो कि वो बीमार है या कुछ है। और इसके रिगार्डिंग हम समझेंगे कि डीयू में आपको एडमिशन लेना होगा तो किस तरह से बेसिकली आपका एडमिशन होगा। ये कुछ इमेजेस क्यों आपको दिखा रहा हूं, इस फील्ड में करियर दिखाने करियर बनाने से पहले आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि समाज में आप जिन स्कूल्स में जाओगे इन विद्यार्थियों के लिए आपको कुछ वैसा ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर टीचर के बस का नहीं होता, हर आदमी उतना पेशेंट नहीं होता है कि जो है बच्चों को संभाल के पूरा पढ़ा सके। तो करियर परस्यू करने से पहले ही आप जानते रहिए कि स्कोप तो बहुत पर्याप्त है, आप अच्छा खासा जॉब भी कर लोगे, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन ये समझिए कि जिस काम के लिए गए हैं उसको आप किस हद तक कर पाओगे, क्या आप में वो पेशेंस वो कैपेसिटी है कि नहीं इन विद्यार्थियों को हैंडल करने के लिए। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पर। जैसा कि मैंने बोला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन वाला केवल और केवल लेडी इरविन कॉलेज में है और केवल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये है। तो एलिजिबिलिटी क्या है प्रोग्राम के लिए कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, और कोई भी ऐसा बच्चा है जो किसी कारणवश ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया था और समय रहते उसने वक्त के साथ मास्टर्स कर लिया, तो ऐसे बच्चे अपने मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर उनका मास्टर्स में 50% आ गया है तो। अदरवाइज तो 99% सभी कैंडिडेट बैचलर की डिग्री पर ही ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं। आप मास्टर्स की डिग्री पर भी फिल कर सकते हो अगर आपने साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इन सब किसी भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है या पीजी कर रखा है। और ध्यान दीजिएगा अगर आपने इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई डिग्री ले रखा है तो वहां पर जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 55% मार्क्स होना चाहिए, और अदरवाइज तो 50% नॉर्मल ग्रेजुएशन में चलता है। तो ये हो गया केस वन। ध्यान दीजिएगा ये एलिजिबिलिटी कंडीशन का पॉइंट नंबर ए है। तो पॉइंट नंबर ए सबको फुलफिल करना है, कंपलसरी है। जब आप उस पे सेट बैठ जा रहे हो तब आप पॉइंट नंबर बी देखोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉइंट नंबर बी क्या कहता है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करोगे ये जरूरी है कि आप अपने ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, मतलब जिस भी क्वालिफाइंग डिग्री के बेसिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो वो डिग्री उठाओ और देखो कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला है मिनिमम न्यूनतम। अगर 200 से ज्यादा नंबर का पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 200 नंबर किसी एक सेमेस्टर या ईयर में नहीं, थ्रू आउट द कोर्स न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ रखा है और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। थोड़ा सा बात को आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कोई बच्चा लेडी इरविन कॉलेज में एडमिशन लिया, अब वो जा रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, तो तुम किसी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को पढ़ा रहे हो तो वहां भी तो पढ़ाओगे ना साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। ऐसा थोड़ी ना कि मेंटल रिटार्डेशन की क्लास में गया हो तो अच्छा कुछ भी पढ़ा रहे हो। अरे मेंटली रिटार्डेड क्लास में भी साइंस तो चलेगी ना, लैंग्वेज चलेगी ना, क्या कहते हैं सोशल साइंस चलेगा ना, मैथमेटिक्स चलेगा ना। तो बेसिकली है क्या कि जो सीट्स है ना सब्जेक्ट के बेसिस पर डिवाइड होता है, बस टीचर आप जो है मेंटल रिटार्डेशन वाले क्लास में आप जो जाके बनोगे या पढ़ाओगे या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले क्लास में जिस भी टर्म से आप रेफर करना चाहते हो, तो बेसिकली सब्जेक्ट ना कुछ हिसाब से डिवाइडेड है कि या तो साइंस के आप होगे या तो लैंग्वेज के होगे या तो सोशल साइंस के होगे या तो मैथमेटिक्स के होगे। केवल यही चार सब्जेक्ट ही ऐसे हैं मेनली जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेंटल रिटार्डेशन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप बीएड कर सकते हो। अदरवाइज किसी और सब्जेक्ट को आप उसमें इंसर्ट करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। उसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो लैंग्वेज का मतलब है या तो आपने इंग्लिश 200 नंबर का अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो या मैं बोल रहा हूं क्वालिफाइंग डिग्री अगर कोई पीजी के बेसिस पर फिल कर रहा है, तो चाहे यूजी के बेसिस पर फिल करो चाहे पीजी के बेसिस पर फिल करो, जरूरी है कि जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी अगर इसमें से आप कोई चूज कर रहे हो तो मिनिमम आप अपने क्वालिफाइंग डिग्री में उसको न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ रखा हो पूरे थ्रू आउट द डिग्री, ठीक है, किसी एक सेमेस्टर या ईयर में नहीं। तो थ्रू आउट द डिग्री आपने 200 का मिनिमम पढ़ रखा हो और इसमें 50% मार्क्स आपने स्कोर भी कर रखा हो। अगर 50% उस सब्जेक्ट में मार्क्स आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। उसी तरह सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में डिवाइडेड है। तो केवल ये वाले जो सब्जेक्ट हैं आप अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट उठाओ और देखो क्या इसमें से कोई सब्जेक्ट है
जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, अपने क्वालिफाइंग डिग्री में पढ़ रखा हो। अगर आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री बीट यूजी हो या पीजी हो, अगर आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में इन सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन, क्वालिफाइंग डिग्री चेक करो, रिजल्ट खोलो, क्वालिफाइंग डिग्री देखो कि क्या इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ रखा है। पॉइंट वन, हाँ सर पढ़ रखा है। दूसरा चेक करो वो सब्जेक्ट पूरा डिग्री कंप्लीट करने में तुमने कितने नंबर का पढ़ रखा था। तो जरूरी क्या है कि मिनिमम 200 नंबर का पढ़ रखा हो, ऐसा नहीं हो कि केवल एक सेमेस्टर में पढ़ा था 50 नंबर का चले आया यहाँ पर बीएड का फॉर्म फिल करने, नहीं, उस सब्जेक्ट को टोटल कितने नंबर का पढ़ रखा था। तो जरूरी है कि मिनिमम 200 नंबर का पढ़ रखा हो, प्लस अब तुमने टोटल जितने नंबर का पढ़ रखा था उसमें तुमने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है कि नहीं। अगर 50% मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। और ये कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप पॉज करके भी एक एक लाइन पढ़कर समझ सकते हो यहाँ पर। और ये मेंटल रिटार्डेशन, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहता है इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि ये कोई रिटार्डेशन नहीं है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, तो इस पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है कि क्राइटेरिया केवल ये नहीं कि तुम यहां से चूज कर लिए कि सर ग्रेजुएट है 50% मार्क्स और उस बेसिस पर केवल फॉर्म फिल कर दिए, नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि A1 A2 के साथ साथ क्राइटेरिया B दोनों मीट करना चाहिए। तो ये क्या है, ये बेसिकली हुआ है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करोगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कर सकते हो, मिनिमम 200 नंबर का पढ़ रखा हो, उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो, तो आप एग्जैक्टली एलिजिबल हो। टोटल लेडी इरविन कॉलेज में कितने सीट्स हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में? टोटल 32 सीट्स हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिवीजन देखने के लिए मिल जाएगा कि रिजर्व कैटेगरी में कितना है, CST OBC EWS में कितना है। टोटल जो कैटेगरी है 32 सीट्स इन टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक दो सीट ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग कोटा वगैरह होता है, टोटल 32 सीट्स है। ये आपके सीट आपके स्क्रीन पर एग्जैक्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि बीएड इसलिए कर लें कि किसी तरह एडमिशन ले लेंगे, अपना तैयारी वारी करते रहेंगे। ये आइडिया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है बहुत ही रिगरस होता है, बहुत ही हॉलिस्टिक मैनर में हर चीज़ कराया जाता है। सुबह 9 बजे तुम कॉलेज चले जाओगे, शाम को 5-6 बजे आओगे, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत जगह ट्रेनिंग में भेजा जाता है, और आपको रेगुलरली करना ही करना है। अटेंडेंस नहीं रहेगा तो ये आपको डिग्री नहीं देंगे, फेल कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस आइडिया के साथ DU से बीएड करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करिएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं चलने वाला, नहीं चलने देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, ये जरूर है कि आप स्पेशल एजुकेशन में कोर्स करके निकलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपके जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ये बात उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जो बात मैंने आपसे बोली है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों है, हॉस्टल अकोमोडेशन आपको लेडी इरविन कॉलेज में देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस फॉर द एंटायर डे एज पर द वर्किंग आवर ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि मैंने बोला, जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है SEP, जैसे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएड किया हूं, तो वहां पर उसको जो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो उसको ये लोग SEP कहते हैं, स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम डेज। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन स्कूल फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल आवर्स। तो मतलब हर चीज उन्होंने मेंशन कर दिया, प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि भैया कोई नौटंकी नहीं चलेगी कि बस ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया तो तुमको रेगुलरली सुबह शाम ये ऑक्यूपाई करेंगे और सारा कुछ करवाएंगे। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए लेडी इरविन कॉलेज में अवेलेबल है। कैसे सिलेक्शन होगा? CUET से के थ्रू एग्जाम होगा। जो पेपर कोड आपको चूज करना है COQP 03 वाला पेपर कोड चूज करना है। कहां से PYQ मिलेगा? गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करो, COQP 03 वाला पेपर कोड का पेपर देख लो, बेसिकली उसको आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंटल रिटार्डेशन वाले में हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा विजुअल इंपेयरमेंट पर, दृष्टि बाधित जो छात्र होते हैं। देखिए, फोटोज देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ये बात समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरह के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है, क्या आपके आगे आने वाला है, और आपके अंदर वो कंपैशन है कि नहीं है कि आप जाकर वहां ये सारा कुछ पढ़ाना चाहते हो, इन बच्चों को हैंडल करना चाहते हो कि नहीं, कि सिर्फ ये बात आपके जॉब तक न रहे। क्योंकि अगर आपको तुरंत में हो भी गया तो फिर आप फिर जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो कोर्स करने से पहले इन बातों को आप समझिए। तो विजुअल इंपेयरमेंट DU बीएड स्पेशल एजुकेशन VI के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगेन, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो बैचलर में किसी का 50% मार्क्स नहीं है और समय रहते उसने मास्टर्स कर लिया तो मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिकली है क्या कि आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो, और इंजीनियरिंग वाले फील्ड से अगर आ रहे हो तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगेन जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड करोगे, यहां जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हो। पहली बात तो ये देख लो
कि ये सब्जेक्ट आप अपने क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, अगर आप पीजी के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो पीजी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है। अपना रिजल्ट उठाओ, देखो उस रिजल्ट में कि इसमें से कोई सब्जेक्ट है क्या तुमने जो पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तो क्या जरूरी है कि मिनिमम न्यूनतम, मैं बोल रहा हूं बार बार मिनिमम न्यूनतम, मिनिमम 200 मार्क्स का तुमने पढ़ रखा हो, ये जरूरी है। 200 नंबर का पढ़ रखे हो मिनिमम, सभी सेमेस्टर और ईयर्स को पूरा ऐड करने के बाद अगर मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है तो हाँ तुम उसमें एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स आपने स्कोर कर रखा हो। अगर स्कोर कर रखा है तो आप एलिजिबल हो और इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो बीएड परस्यू करने के लिए। केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट कर सकते हो। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम तो बीएड एमआर का फॉर्म भर रहे हैं, बीएड वीआई का फॉर्म भर रहे हैं, तो सब्जेक्ट डिवीजन के हो। अरे तुम विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड को पढ़ा रहे हो तो हो सकता है वो लैंग्वेज का बच्चा हो सकता है वो सोशल साइंस का, हो सकता है मैथ का हो, साइंस का हो। तो बेसिकली कोई विजुअल इंपेयर्ड बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको तुम साइंस कैसे सिखाओगे, तुमको ये समझ में आना चाहिए। कोई विजुअल इंपेयर्ड बच्चा है जिसकी आंखों में कोई दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, वो तो लैंग्वेज की क्लास में, सोशल साइंस की क्लास में, तो कैसे तुम सोशल साइंस सिखाओगे, लैंग्वेज सिखाओगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस बात की होनी चाहिए। तो दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज में होता है। टोटल कितने सीट है आपके स्क्रीन पर एग्जैक्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन मेंशनड है कि जनरल में कितना है, सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कितना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूटी ड्यू बीएड 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर एक ये वाला पेपर कोड होगा, ठीक है, जहां पर कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस लिखा है, सीयूटी बीएड लिखा है। बेसिकली ये सीओक्यूपी 03 वाला ही पेपर का सिलेबस कंप्लीट डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो सीयूईटी का जो पेपर कोड होता है ना, सीओक्यूपी 03 वाला, सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड आप दोगे तो बीएड स्पेशल एजुकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में दिल्ली बाइट्स के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है या सीयूटी ड्यू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट है। आप देखोगे पास्ट में अच्छे खासे दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर एकदम टॉप में सिलेक्शन लिया है। स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में दिल्ली बाइट्स अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो वहां से पूरा करियर परस्यू किए हैं और जो आज अच्छे अच्छे स्कूल्स में टीचर हैं। उन तमाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का आप मीटिंग देख सकते हो, उनका फीडबैक देख सकते हो और पूरी बात आप समझ सकते हो। और सीओक्यूपी 03 के प्रिपरेशन के लिए भी आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये तमाम सारा रिसोर्स मटेरियल जो यहाँ पर मेंशनड है, जो आपके प्रिपरेशन में 100 times आपको मदद करेगा परफॉर्मेंस आपका बूस्ट करने में, ये सारे रिसोर्स मटेरियल आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में इंस्टॉल करके परचेज कर सकते हो। श्योरली आपको परफॉर्मेंस इस लेवल पर ये रिसोर्स मटेरियल पहुंचाएगा, एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सभी दिल्ली बाइट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एवरीवन।